हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगी आज आपको कि हम अपनी आईब्रोज़ कैसे कर सकते हैं। अपनी आईब्रोज़ करने के लिए सबसे पहले लोग तो बहुत डरेंगे कि हम अपनी आईब्रोज़ कैसे कर सकते हैं, बट बहुत ही ईजी है गाइज, प्लीज मी। पहले मतलब आपको पेन होगी, लगेगा कि डर लगेगा, कटना लग जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे को देखोगे कि बहुत ही इजी है, कैसे इजीली मैं अपनी आईब्रोज़ खुद से करूँगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक थ्रेड चाहिए और टैल्कम चाहिए। टैल्कम ज़रूरी नहीं है कि आपने लगाना है। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि टैल्कम लगाने से क्या होता है, हमें पेन बहुत कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाउडर लगाने से क्या होता है, अगर हमारी स्किन पे या ऑयल आया हुआ है या स्वेट है, पसीना आया हुआ है, तो बस उसको ड्राई आउट करता है और कुछ नहीं होता। अगर गाइस आपके पास ये थ्रेड नहीं भी है तो रील होती है ना, जिससे हम सुई धागे वाली रील होती है, उसके साथ हम कर सकते हैं लाइक दिस। इसके साथ भी हम कर सकते हैं, बहुत ईजीली हो जाता है। बट पर्सनली मैं आपको बता दूं कि दोनों में से पेन कम ये करता है, क्योंकि मैंने दोनों ट्राई करे हुए हैं। मैं ये रील आज मैं आपको इसी से बताऊंगी। धागे वाली रील ली है, इसका बहुत कम सा हिस्सा आपने लेना है, डबल करके लेना है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा लोगे तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगी, तो आपने दोनों साइड से इससे एक नोट बांध लेनी है ताकि इसको फुल कवर कर लेना। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, नोट्स बांधनी है, 1, 2, 3, 4, दैट्स इनफ, बस इतनी होनी चाहिए। आप पहली बार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी होगी दोनों फिंगर्स के साथ, क्योंकि सडनली मतलब कि अचानक से आप अपनी थ्रेडिंग नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं है कि अचानक से आप अपनी आईब्रोज करना स्टार्ट कर दें, इससे आपका कट भी लग सकता है और आपकी थ्रेडिंग आईब्रोज ख़राब भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग करनी है अपने अपर लिप से और फोरहेड से कर सकते हो, या यहाँ पर नहीं भी करनी है तो अपनी लेग्स पे कर सकते हो, लेग से जो भी बाल होते हैं उसके, ऐसे प्रैक्टिस आप कर। तो आपको गाइस दिख रहा है कि मेरे आईब्रोज होने वाले हैं अभी, है ना, तो मैं आपको आफ्टर बिफोर जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम ऊपर से ही करेंगे, ये देख सकते हो गाइस, मतलब हमें ऐसे करना है कि जिधर से आपकी बालों की डायरेक्शन होगी उधर उससे ओपोजिट आपने अपना थ्रेड रखना है, सीजर रखनी है। इसको सीजर बोलते हैं, ये वाली चीज़ ना नोक जो बनी हुई है इसको सीजर बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। थोड़ा दूर दूर से करना, ये ना हो कि आप अपनी थ्रेडिंग भी करवा दो। अगर आपसे एक बार में ज़्यादा बाल नहीं निकल रहे तो आप दिख रही है गाइस मेरी थ्रेडिंग हो रही है, आप ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, या ये वाली अभी मैंने करी नहीं है, ये वाली करी है मेरी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है।
दोनों का मेयरमेंट लेके ही आपने करनी है गाइस, ऐसा ना हो कि आप दूसरी को देखे ना और एक करते जाओ और उसके चक्कर में दोनों अलग अलग। लास्ट में आपको बताऊंगी कि अपनी आईब्रोज का मेयरमेंट सबसे पहले आपने कैसे लेना है, मतलब कि दोनों को इक्वल रखना है, ये ना हो कि एक मोटी हो जाए एक पतली हो जाए और एक ऊपर चली जाए और एक नीचे चली जाए। सबसे पहले हमने मेयरमेंट लेना है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूँ। अपने हैंड्स को उल्टा सीधा करके आप किसी भी तरह मूव कर सकते हो, मतलब यहीं से भी जिधर की इंट्रक्शन डन ना। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करनी है, सीजर लेनी है छोटी सी, ठीक है। जो ये फ्रंट वाले बाल हैं जो बड़े हुए हैं ना, इसको सबसे पहले आपने फिंगर के साथ ऊपर ऊपर करना है और जितने भी एक्स्ट्रा होंगे अपने अपने आपने अपनी थ्रेडिंग दे के कट करना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है आपने। ये वाले बाल आपके इधर को होंगे, ये वाले बाल आपके इधर को होंगे, तो आपने अपने थ्रेड की सीजर देख के करनी है। मैं एक ट्रिक बताती हूँ, अगर किसी के अपर लिप्स पे बहुत पेन होता है ना, तो वो पेन ना कम हो, मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया करवाना है या करना है। ये वाला करवाने के बाद आपको ये वाली पेन पता ही नहीं चलेगी। तो जी, तो हम आपने देखा ही है गाइस, मेरे को थ्रेडिंग अपर लिप्स और फोरहेड करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम हमने रेडी होने के लिए सैलून जाने में लगेगा। इतने में हमने अपने ही घर पे कर लिया और इतना टाइम भी नहीं लगा, बहुत इजीली भी होगी ना। हाँ, मैंने आपको वो एक चीज़ बतानी थी कि आपने अपना मेयरमेंट पे सबसे पहले कैसे लेना ना, तो आपने सबसे पहले एक थ्रेड ही पकड़ना, मैं ये वाला पकड़ लेती हूँ। थ्रेड पकड़ के आपने क्या करना, आपकी पहले नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाली लाइन पे आपने रखना है, इक्वल रखना। थ्रेड पे आप चाहो तो आप कलर भी लगा सकते हो, कलर लगा के क्या होता है कि आपको एक लाइन मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी। अगर आपने एक लाइन बनानी है थ्रेड के साथ, वो थोड़ा सा प्रेस करके ये लाइन बन जाती है, बट वो टेम्प्ररी रहेगी, आपको दिख रही है एक लाइन बनी है ना, तो ऐसे ही आपने ऊपर से करनी है, ये वाली लाइन बनानी है, ये वाली लाइन, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। और जो ये आँक वाली होती है, अगर आपको आँक चाहिए पूरी थ्रेड रखना और दूसरे आँख तक लेके जाना, ये देखो मतलब आपकी पूरी होनी चाहिए इक्वालिटी। थ्रेड तो सीधा ही होगा ना, आप सीधा जैसा रखोगे वैसे ही आएगा। और एक आपने ये वाली लास्ट वाली चीज़, आईज बंद करके ले सकते हो, ये वाली चीज़ कलर लगा लेना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एक लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी और आपको पता रहेगा कि आपने उसी के बीच अपनी थ्रेडिंग करनी है। ये बहुत ही इजी टेक्निक है, इससे बहुत इजी हो जाती है, और आपको मोटी चाहिए पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ऐसे तो आप गाइस अपनी थ्रेडिंग कर सकते हो। और हाँ, इसके बाद लगाना एक्सचेंज रेट मत भूलना, अगर एक्सचेंज रेट के साथ क्या होता है बहुत जलन होती है, वो ना लगाएं, स्किप कर सकते हो। उसकी जगह आप रोज़ वाटर या कोई भी स्किन टोनर आप यूज़ कर सकते हो, आप जो भी अपने घर पर करते हो, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं और यहाँ पे मसाज कर लें। जिनके बहुत सारी ग्रोथ होती है उनके दर्द होती है यहाँ पे तो बहुत दर्द होती है, कहीं तो रो रो के करवाते हैं, और वहाँ पे आप मॉइस्चराइजर के साथ हल्की सी मसाज कर सकते हो लाइक दिस। दोनों साइड ऐसे करने के बाद आप स्लाइड मोशंस कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा पेन। ये थी हमारा थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल, जैसे कि मैंने आपको जिसमें आप लिप्स खाने करने भी बता दिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप सपोर्टिंग मी।